नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेप सिग्नल कम स्किनर बना है और उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 29 जनवरी 2019 के लिए मैंने स्क्रीनिंग करके स्टॉक्स चुना है। तो उसका इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा, सॉरी, और 100 डे इंग्स का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, इनसाइड द बस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इधरपुर एरा सेवन और कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जो मैंने रेगुलर बनाता हूँ। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को बहुत ही स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक्स है वो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा आप लोग इस बाइसेल सिग्नल कम स्किनर में कैसा क्या क्या है, कैसे स्किनिंग करना है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। फिबोनाची स्ट्रेटेजी मोस्ट इफेक्टिवली, हाउ टू यूज मोस्ट इफेक्टिवली दिस फाइल, आप लोग उधर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका फाइल का ये फाइल का लिंक आप लोग को फाइल डाउनलोड करने का लिंक सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने फिर से भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग की ट्रायल के लिए जान हो सकता है, इसमें मैंने फाइल मैंने शेयर करता हूँ तो उसको भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, उसका लिंक भी दिया जाएगा। तो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। तो देखिए इसमें मैंने बाई सेल लेवल 1 3 सेट्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल देखा था। बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई लेवल सेल लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल 3 और बहुत सारे इंडिकेटर्स रहता है, स्ट्रेटजीज रहता है। तो आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए। सो ये मैंने फर्स्ट सेट ऑफ बाई सेल लेवल देखा था हूँ, बाई लेवल सेल लेवल। इसमें बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाया तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। सेल का भी ऐसा है, सेल का टारगेट 1 से टारगेट 4 बाया तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और आप लोग को लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखिए, ये वीडियो कैसे परफॉर्म किया करता है। तो मैंने पहले दिया तो अब 2-3 महीने कुछ दिया नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये दिया देता हूँ। आज जो फाइल मैंने शेयर करते हुए बनाता हूँ वो कल कैसे परफॉर्म किया वो मार्केट के एंड में मैंने बनाता हूँ, वो आप लोग को देखने से कैसे इसको यूज़ करना है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग को गैप अप और गैप डाउन कंसीडर कर लेना है, सोच लीजिए। और उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा प्राइस कौन सा लेवल का है, उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। और बाई लेवल सेल लेवल 2, बाई लेवल सेल लेवल 2 और उसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3, बाई लेवल सेल लेवल 3। इसका R1 बाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। और इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट जो है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आप लोग नोट कर सकता है, 21 कर सकता है। और बोलिंगर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस सेलर का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, और टीडाउन लेवल का अपर बैंड मिड बैंड का लोअर बैंड का मतलब मिड बैंड मिड लाइन बॉटम लाइन और कप बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और मैंने इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, बाई लेवल सेल लेवल 1 2 और 3 दिखाऊंगा, आप लोग को फॉलो कर सकते हैं। और उसको आप लोग को लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए बाई लेवल सेल लेवल 1, इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 2, इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी आप लोग को दिखा दूंगा। बाई लेवल सेल लेवल 3 और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट और ये बोलिंगर एंड प्राइस चैनल हो गया। इसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का दिखाता हूँ, लोग लाइव मार्केट में चेक कर सकता है ये आज का जो बनाता हूँ वो कल का कैसे काम करता है, आज का लेवल
एंड हम थोड़ी जो फाइल देता हूँ वही सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, उसके बाद लाइब्रेरी में अपडेट नहीं करना पड़ता है। तब भी मैंने अपडेट का दिन देता हूँ जो लोग मेरे सर्विस लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप लोग को बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। उसके बाद मैं और ये जो है इसका सोच लीजिए, इसका नेक्स्ट नंबर के कौन सा आता है, ये सब इधर फॉर्मूला देखे बनाता हूँ। 1 डे का हिसाब से, 5 डे का हिसाब से, ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सारी चीज़ आप लोग को काम पे आएगा। प्रोबेबिलिटी देखे बनाया हुआ, स्टैटिस्टिक देखे बनाया हुआ है, और इधर आप लोग कुछ फीचर्स का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसका वही लेवल दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने 100 डे का स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। 100 डे मूवी में इसका जो स्ट्रैटेजी है ये है कि यह जो 100 डे मूविंग एवरेज है, 100 डे जो मूविंग एवरेज है, ये आज का कैंडल कौन सा स्टॉक्स में ये आज का कैंडल काट किया है, जिस जिस स्टॉक्स को आज का कैंडल काट किया है वो आज का जो हाई है जो ब्रेक करेगा, कल जो जब ब्रेक करेगा तो ये अच्छा मूवमेंट देगा। तो इधर देखिए, इधर ओरो फार्मा को मैंने इधर चार्ट में भी एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। कुछ कुछ टाइम चार्ट के साथ नहीं मिलते मैच करता है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो एवरेज प्राइस का और कैंडल का एवरेज प्राइस लेकर कैलकुलेशन किया हूँ, और इधर जो होता है ये क्लोजिंग प्राइस लेकर कैलकुलेट करता है। ये जो हाई लो का और क्लोज का जो एवरेज है वो लेकर मैंने एवरेज कैलकुलेट करता हूँ, तो इसलिए तो आप लोग फिर भी ये काम करता है। आप लोग इधर देख सकते हैं, और वहाँ का जो हाई लो बना है उसका जो लेवल ब्रेक करेगा तो ये काम करेगा। और इसके अलावा देखते हैं बजाज ऑटो। यह देखिए इधर काट किया है बजाज ऑटो का, इसका आप लोग देख सकते हैं आज का हाई लो वो ब्रेक करने से कम ये मूवमेंट हो सकता है। बॉस लिमिटेड कुछ मैंने एक दो करके दिखाता हूँ। बॉस लिमिटेड आप लोग जब पूरा फाइल आप लोग लेंगे तो आप लोग को पूरा देखने के लिए, ये देखिए बॉस लिमिटेड ने भी इसको काट किया है, और दिखा देता हूँ कुछ भी कैमरा मैन को दिखाता हूँ। देखिए कैमरा मैन को काट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इंसाइड द बॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और NR4 NR7 दिखाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट शायद आप लोग को मालूम है कि 1 डे का हिसाब से जो इंसाइड द बार है वो जो अगला दिन का जो कैंडल उसका आज का कैंडल वो अगला दिन का कैंडल का अंदर रह जाता है। तो सोच लीजिए अदानी एंड दिखाता हूँ, अदानी एंड ये देखिए, ये जो आज का कैंडल जो है ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह जाएगा। तो अगला दिन का जब कैंडल का जब हाई लो जब तोड़ेगा तो आप लोग चार्ट से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मेरा फाइल भी ले सकता है। तो इसमें आप लोग को अगला दिन का कैंडल का हाई लो मिल जाएगा। तो इधर ये जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देता है। तो उसके बाद देखते हैं इधर इधर इधर